हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? या मजे में चाहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, खुश रहो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक कमर्शियल गाड़ी के जो पेपर्स होते हैं उसमें कैसे एनसीआर परमिट के अलग होते हैं और जो नेशनल परमिट होता है उसके अलग होते हैं। वैसे अलग अलग का मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास नहीं होता। बस एनसीआर परमिट का जो टैक्स होता है वो स्टेट टैक्स होता है और बाकी जो टैक्स है उसकी मोहर लगती है। और जो नेशनल परमिट गाड़ी होती है उसका आपको आपकी मर्जी है, चाहे वो जब भी क्रॉस कर रहे हो तब कटवा लो, या आपको पता ही है कि यार इस स्टेट का बॉर्डर तो लगता ही लगता है, हमें स्टेट से क्रॉस करना ही है, तो उसका आप हर 3 महीने का और 4 महीने का भरवा सकते हो। तो मैं जैसे कि दिल्ली में रहते हैं हम लोग, तो हम यूपी और हरियाणा का हमेशा भरवा के ही रखते हैं, क्योंकि कहीं से भी दिल्ली से बाहर जाओ तो यूपी हरियाणा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूपी का टैक्स 4500 रुपए का पड़ता है 3 महीने का, और हरियाणा का टैक्स 1200 रुपए का पड़ता है 3 महीने का। अगर रोज जाएंगे यूपी तो आपके लगेंगे 120 रुपए, और रोज हरियाणा जाएंगे मतलब रोज का जो डेली टैक्स है वो हरियाणा का 100 रुपए है, यूपी का 120 रुपए है, और काटने वाला 50 रुपए अलग से लेता है। ये क्लियर है अब तक? और अगर आपके पास एनसीआर परमिट गाड़ी है तो उसमें यूपी और हरियाणा की जो अथॉरिटी है वहां की मोहर लगती है, उसका हरियाणा की मोहर अब हर साल लगती है, उसमें 2 से 2500 का खर्चा आता है अगर बाहर से कराते हो तो। वैसे उसके 1800-1900 रुपए फीस है। और यूपी का जो है वो एक ही बार अभी भी 5 साल का ही कट रहा है, परमिट के साथ ही होता है, तो हमने सब में वो कटवा रखा है, तो उसके एक ही बार 4500 रुपए लगे थे, वो परमिट पे मोहर लग जाती है एनसीआर की दोनों की। और इससे बाहर अगर गाड़ी ले जानी होती है हमें तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, हम ले जा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी नहीं जा सकते, हम परमिशन लेके पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन लेकिन टैक्स देना होगा हरियाणा का भी। अगर हरियाणा की हम अपनी एनसीआर सरहद से पार जाएंगे तो हमें हर स्टेट का टैक्स देना होगा, लाइक यूपी का भी और हरियाणा का भी। क्लियर? अब आते हैं पेपरों पे। तो पेपरों पे नेचुरल सी बात है, सबसे पहला पेपर आरसी, इंश्योरेंस और अपना पोल्यूशन, ये तो सबका कॉमन ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा सीधा परमिट की। तो परमिट जो होता है हमारे गाड़ी का कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये रहा भाई, पेपर इतने हो जाते हैं। परमिट जो हमारी गाड़ी का होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों, ये होता है। और इस परमिट पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पे मोहरें लगती हैं, ये आपकी मोहर है और ये मोहर है फॉर 1 ईयर। इस बार मैंने आपको बताया ना, ये जो फॉर 1 ईयर वाली मोहर है ये एचआर की है, ये दोबारा लगवानी पड़ेगी हमें जब तक ये डेट है जो इसकी वो खत्म हो जाएगी 11/9/12। और ये जो दूसरी मोहर है उत्तर प्रदेश वाली, ये इन्होंने लिखा हुआ है एनसीआर एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश टिल वैलिड परमिट, ये अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो इसमें ये लिखा हुआ है, ये लास्ट वाली टिल वैलिड परमिट। तो ये जैसे जब तक परमिट वैलिड है तब तक हम नोएडा का और टैक्स हमें नहीं भरना है, मतलब एनसीआर परमिट गाड़ी के लिए नोएडा और यूपी गाजियाबाद जहां तक एनसीआर हमारा टच होता है। वैसे ये एनसीआर की भी सरहद आज तक पता नहीं चली है, लेकिन एक अपना आइडिया ये कि अगर हमें भी कॉल, अगर मैं आज तक देखा हूं हद मार के हम लोग ग्रेटर नोएडा से थोड़ा सा आगे गया हूं, और अगर सोना तक भी हमारा नहीं होता, सोना तक की कॉल नहीं आती कभी भी, एनसीआर वाली गाड़ी को नहीं आती। तो ये मेरे हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया कि अपना जो दिल्ली का बॉर्डर है बस उस बॉर्डर से लाइक 20-25 किलोमीटर तक का ही हिसाब किताब है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, देखो इतनी नॉलेज नहीं है तो इससे ज्यादा हमारा एनसीआर परमिट नहीं होता। अगर इससे हमें कभी दूर जाना हो लाइक मेरठ जाना हो तो मेरे ख्याल से मेरठ के लिए मुझे आइडिया नहीं है, बट चलो मैं बोलूंगा नहीं अगर आइडिया नहीं है तो। चलो ठीक है, इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है भैया, ये गूगल पर सर्च करो आप कि एनसीआर परमिट कहां तक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और ये क्लियर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लियर भी नहीं है, मैं खुद कुछ बोल दूं कोई दूसरा भाई कुछ बोल देगा उसके पास ये प्रमाण नहीं है, जो भी कुछ बोलेगा प्रमाण उसके पास भी नहीं है, क्योंकि इस चीज का पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या चक्कर है,
हमें एक मैप देना चाहिए एनसीआर परमिट का कि ये हम गाड़ी कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं। चलो इसको हम ये छोड़ते हैं। तो भैया ये होता है आपका परमिट, और उसके बाद अगर आपका ये परमिट 2 साल तक वैलिड होता है जब नई गाड़ी लेते हैं, तो उसके बाद आपको इसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट हर साल करवाना पड़ता है बुराड़ी से, जो कि ये होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपने फिटनेस सर्टिफिकेट कराया, और एक टैक्स होता है अपना दिल्ली का, जिस स्टेट से आपने गाड़ी ली होती है उस स्टेट का टैक्स होता है ये एक 2000 रुपए का, 1980 रुपए का। ये ऑनलाइन भरा जाता है और ये मार्च टू मार्च भरा जाता है दोस्तों। अगर इसको कोई भरेगा नहीं अपने परमिट रिन्यू से पहले तो परमिट रिन्यू होगा ही नहीं, और जिनका बाद में वो पहले रिन्यू हो जाता है और बाद में ये आता है तो उनका क्या रहता है कि ये रह जाता है। फिर वो भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि यार दिल्ली का टैक्स तो हमने भरवाया ही नहीं। मैं कहा फिर नहीं भरवाया तो भाई अगली बार याद आएगी नानी, अभी तो नहीं भरवाया तो कोई बात नहीं। क्योंकि भाई इसका जो है ना 50 से 100 रुपए हर महीने लगता है, ऐसा ध्यान रखना इस बारे को, ये मार्च में कटवा लो और ये ऑनलाइन कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी साइबर वाले के पास चले जाना, अपने गाड़ी का नंबर देना, ये ऑनलाइन कट जाता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारी गाड़ी के अंदर एक लगा होता है मीटर, जिसे हम कहते हैं किलोमीटर विभाग, वो ये इसको वेरीफाई करके हमें देता है, और इसको हम कहते हैं जीपीआरएस मीटर भी बोल देते हैं आजकल हम, क्योंकि ये जीपीआरएस। तो भाइयों ये होती है किलोमीटर वाले मीटर, जिसमें 2 मीटर लगे होते हैं, कईयों का मीटर अलग होता है और जीपीआरएस अलग होता है, बट मेरा अंटाल्टा का लगा हुआ है तो इसमें दोनों एक साथ ही है। लेकिन फिटनेस दोनों की अलग अलग होती है, किलोमीटर विभाग की अलग होती है, जीपीआरएस की अलग होती है। तो ये किलोमीटर विभाग की फिटनेस है, आपको दिख रही हो, ये किलोमीटर विभाग की फिटनेस है, इस पे 100 रुपए लगते हैं दोस्तों। लेकिन पहले ये अपना वजीरपुर जाके अपना मीटर देके आना पड़ता है, उसके बाद अगले दिन जाके वजीरपुर से मीटर लेके आके सीधा नजफगढ़ जाना पड़ता है, वहां पे जाके ये उनकी टेस्ट होता है ये मीटर कि ये जो उन्होंने करके दिया है वो ठीक है। स्टैंप वहां से लगती है, ये सिर्फ करके और पेपर दे देते, स्टैंप वहां से लगती है, तो ये प्रोसीजर पूरा होता है मीटर वाला। उसके बाद भैया इस मीटर के ऊपर एक लगी होती है डिम्स हमारी, ठीक है दोस्तों। ये डिम्स जो होती है हमारी इस तरह की होती है, इसे बोलते हैं DIMTS। तो इसकी जो फुल फॉर्म है मुझे मालूम नहीं है अभी, बट ये डिम्स बोलते हैं इसको। इसका 1420 रुपए की पर्ची होती है, इसको बोलते हैं जीपीआरएस की पर्ची। ये जीपीआरएस दोस्तों जब हम मीटर ऑन करते हैं तो ये गाड़ी जो है हमें भी रनिंग करती हुई दिखती है, जिस जिस लोकेशन पे जाती रहेगी उस लोकेशन पे। तो मैं तो भाइयों से निवेदन करूंगा इस बात के ऊपर कि हमने इसके ऊपर जीपीआरएस लगवाया हुआ है और इसको फिट रखना, सरकार ने हमें जबरदस्ती बोला हुआ है कि फिट भी रखना है इसको भैया, नहीं तो चलान कटेगा। तो भाई जबरदस्ती एक तरीके से, क्योंकि ये यूज तो है नहीं, आज तक कभी यूज नहीं किया हमने इसको, लेकिन बस यही है कि 20-25 हजार रुपए कंपनी वालों से भी सेटिंग होगी कहीं ना कहीं जाके, भैया वो भी लगा दो, और ये 1420 रुपए की डिम्स की पर्ची। और एक आदि ऐप है हमारी, एक पूछो ऐप है, अगर उसमें आप ये गाड़ी का नंबर हमारा डालते हो तो अगर किसी भाई ने ऑन कर रखा हो तो वो लोकेशन बता देता, जैसे ओला उबर में गाड़ी कहाँ है वैसे बता देता। तो मैं तो इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जिस भी गाड़ी में लगा हुआ है जीपीआरएस, तो भाई वो अब लोकेशन जो है अपने घर वालों से शेयर करनी बहुत आसान है, वो ऐप डाउनलोड करवा दो और आप अपना ऑन रखो इसको, और भैया देख घर वाले आपके देखते रहेंगे कि ये लो जी भैया हमारा बंदा यहाँ यहाँ जा रहा है ना, बढ़िया बात। तो जीपीआरएस आजकल मेरे ख्याल से 1Z में भी लग के आ रहा है, शायद 2016 से ये 1Z में भी जीपीआरएस का सिस्टम आ गया है। तो मैं तो यही करूंगा इसको ऑन रखिए, इसमें एक सिम डलती है, उसका भी खर्चा पूरे साल का वो ले लेते हैं एक ही बार में, 800 या 900 रुपए की सिम आती है वो सीधा, मैंने आइडिया के लिए 800 रुपए की, तो वो सीधा जो है आपको एक साल के लिए छुट्टी, और एक साल बाद फिर दोबारा ये खर्चे। ये सारे आपके पेपर होते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जो जैसी आपकी चल रही है वैसी चलाते रहें, और जैसे ही गाड़ी के 3 से 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपकी मर्जी है थोड़ा कम करा लें, क्योंकि इसमें जीरो डेप्थ जो इंश्योरेंस है वो कामयाब नहीं होती हमारी टैक्सी में। मैं अपने लिए बता रहा हूँ यार, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो जीरो डेप्थ कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा के आपको पैसे ले लेने उन्होंने। तो अगर
मान लो 3,000-3,500 रुपये ले ही लिए तो फिर क्या उसमें हुआ ना। तो अगर इससे बढ़िया ये कि नॉर्मल इंश्योरेंस कराओ, तो इसकी भी पहले इंश्योरेंस हो रखी थी जीरो डेप्थ वाली, लेकिन मैंने इस बार इसकी इंश्योरेंस जो है कि ये 15,220 रुपये में कराई है। इसे बोलते हैं सेकेंड पार्टी, यानी जैसे मान लो ये मेरा शीशा अगर क्रैक हो जाता है तो खोएगा फ्री में, लेकिन ये कह रहे थे कि उसमें 1,500 रुपये आपके लगेंगे। और अगर मेरी बिल्कुल जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होती उसमें भी वो कह रहे थे कि 300 रुपये लगेंगे, कुछ फाइल चार्ज कुछ होता है। तो मैं कहा यार जब पैसा देना ही है तो हम रिस्क फायदा नहीं है। और अच्छा मान लो कुछ होता भी है तो यार वो इंश्योरेंस हो रही थी जीरो जीरो वाली अभी भी 20,000 रुपये की, और ये हुई 15,520 रुपये की, और बढ़िया है ना। और अगले साल फिर इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा जब हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो ये कम से कम सेकंड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवानी चाहिए। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए करवानी चाहिए दोस्तों, खुदा ना खासा कोई चीज हो जाए तो कम से कम आपकी गाड़ी की जो वैल्यू लगती है उस वैल्यू का कुछ पैसा आपको जरूर मिलेगा। और बाई एक्सीडेंट कुछ चीज हो जाती है तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस जो है मेरे हिसाब से एटलीस्ट सेकंड पार्टी जरूर करवाओ मेरे दोस्तों, प्लीज सेकंड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। और इसी तरह से VL1Z गाड़ी में आपको परमिट मिलता है ये वाला, बस इस पे आपकी कोई मोहर नहीं लगी होगी, बस वो आपका परमिट होगा 5 साल का, और GPRS का सेम कागज होगा डिम्स वाला, किलोमीटर विभाग का नहीं होगा, पोल्यूशन RC सेम रहती है। और उसके बाद इसके अंदर जो है कि आपको जो टैक्स है वो आपकी मर्जी है, आपको रोज कटवाना है चाहे 3 महीने में कटवाना है, वो आपकी चॉइस है DL1Z में, ठीक है दोस्तों। बस इसमें यही फर्क होता है DL1Z मतलब ऑल इंडिया परमिट और NCR परमिट में। भैया दिल्ली के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर बाहर कुछ अलग होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम भी है। तो दोस्तों आज भी काफी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैंने काफी दिनों से सोच रहे थे कि दोस्त की ये ऐसी चीजें आप शेयर करो कि गाड़ी में कौन कौन से पेपर्स जो है हमें कंप्लीट होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है हम शेयर करेंगे इस चीज को।